नमस्ते, वेलकम टू शोभा देशमुख किचन। आज हमने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल ऐसी रेसिपी लेके आए हैं। वो है बची हुई रोटी के सैंडविच। रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। चलो तो फिर हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सैंडविच के लिए लगने वाला साहित्य, सब्जियां ली है मैंने, जो मेरी फ्रिज में थी वही सब्जियां ली। आप कोई भी सब्जी ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो, बीन्स, जो आपके यहाँ अवेलेबल हो आप ले सकते हो। मैंने आधी शिमला मिर्च ली, आधा प्याज लिया बारीक कटा हुआ, एक छोटा गाजर लिया कद्दूकस करके, और ये बीन्स है वो भी बारीक कट कीजिए, इससे अच्छा रहता है, बारीक कट कीजिए सब। और ये पत्ता गोभी चीज़ लगेगा हमको, और ये पनीर, ये रहेगा तो आप लीजिए। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी रहा तो भी सैंडविच बहुत ही बढ़िया बनते हैं, सिर्फ आलू से भी बनते हैं बढ़िया। ये दो मेरे बॉईल किए हुए आलू है, इसको मैं अब कद्दूकस कर लेती हूँ। ये बटाटा हमने अच्छे से मैश करके लिया है, अब इस पे हम मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक्स या आपके स्वाद अनुसार डालिए, हाफ टी स्पून। भुना हुआ जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, क्वांटिटी बहुत कम है। गरम मसाला हाफ टी स्पून, आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च स्वाद अनुसार, जैसा आपको पसंद हो ऐसे आप डाल सकते हो। चटपटा बनाना हो तो ज़्यादा डालिए, छोटे बच्चे रहे तो ये मत ज़्यादा मत मसाले डालिए, क्योंकि छोटे बच्चे को पसंद नहीं आता। और हर्ब्स, हर्ब्स डालिए, हर्ब्स से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने चाट मसाला डाला है उसमें भी नमक रहता है, स्वाद अनुसार नमक डालिए। और आपके यहाँ जैसा बच्चे खाते हो या बड़े खाते हो ऐसा ही आप शेजवान सॉस डालिए। इसको पोटैटो की हमको टेस्ट बढ़ाना है, क्योंकि टेस्ट बिना तो होगी नहीं सैंडविच, सबको टेस्ट बहुत बढ़िया लगनी चाहिए, चटपटा लगना चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें भी हम थोड़ा बटर डालते हैं हल्का सा। इससे क्या होता है, पोटैटो का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है बटर से। हमारी रोटियां सरीखी चाहिए, देखो दोनों भी सरीखी है, कम ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम सैंडविच जैसे बनाते हैं ना, इसको हम ऐसा करेंगे, जैसे सैंडविच को बटर लगाते हैं ब्रेड को, इसको भी ऐसा ही हम ब्रेड लगा, इसको भी बटर लगाएंगे। इसको अच्छा सा बटर लगा लेंगे, इसको भी बटर लगा लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं और हेल्दी भी है। इससे क्या होता कि बच्चे सब लोग सब्जियां खा सकते हैं, फाइबर है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा शेजवान सॉस लगाएंगे, बच्चे खाते होंगे तो मत लगाइए, जैसा आपको पसंद हो ऐसा आप कर सकते हो। मैंने हल्का सा इसको शेजवान सॉस भी लगा दिया, इससे क्या होता कि सैंडविच का टेस्ट बढ़ता है, चटपटा हो जाता है। अब इस पर हम जो है पोटैटो किया है, इसको हम फ्राई भी नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही पोटैटो मैश किया और सब मसाले डाल दिए, है ना आसान बनाना, कुछ भी नहीं है। जैसे बटाटे की सब्जी, हम हमेशा तो आलू रहता ही है हमारे फ्रिज में, और छोटे बच्चे रहे कोई भी रहा तो हमेशा बॉइल ऑयल, छोटे बच्चे घर में रहे तो हमेशा बटाटे बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए, वो
बहुत कोई भी चीज उसकी बना सकते हो, लेकिन छिलके मत निकालिए। 7-8 दिन पोटैटो फ्रिज में रह सकता है। ये देखो हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बनाया, ये पोटैटो का, और इस पर हम अब टॉपिंग करें। देखो थोड़ा सा हल्का सा प्याज डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी, गाजर डाल दिया, आप पालक भी डाल सकते हो क्योंकि बच्चे पालक खाते नहीं, इसलिए जरूर आप इसमें पालक का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बच्चों ने सब्जियां खानी चाहिए। और ब्रेड का भी इस्तेमाल कब होता है क्योंकि हमने तो रोटी ली है, रोटी खाना तो अच्छा है, और ये हमने पनीर भी लिया है। इससे क्या होता, जो संपूर्ण आहार हम मराठी में बोलते हैं इसको, इसको सब न्यूट्रिशन वगैरह सब बच्चों के इसमें जाता है, दूसरी सब्जी देने की भी जरूरत नहीं और बच्चे खुशी से खा लेते हैं। ज़्यादा डालिए पनीर वगैरह, बच्चों को हमेशा पनीर दीजिए, बहुत अच्छा रहता। घर के कोई भी हो तो सबके लिए ये अच्छी डिश है, बुजुर्ग लोग भी अच्छे से खा लेते हैं। और इस पर हम बाद में चीज़ डालेंगे, चीज़ भी अच्छे से डालिए। देखो हमने पिज़्ज़ा जैसा ही बनाया है ना, आपको पिज़्ज़ा की याद आती होगी, हमारा रोटी का पिज़्ज़ा तैयार, सैंडविच तैयार, ये सैंडविच है। अब इस पर हम मेयोनीज भी बहुत सारा डाल रहे हैं, जैसा आपको पसंद हो ऐसा आप डालिए। इसका पूरा हमने टॉपिंग अब तैयार किया है। और ये दूसरी रोटी है, ये दूसरी रोटी हम इस पर डाल देंगे। तो ये तो आप बोलेंगे कि ये रोटी तो ऐसे खुली खुली कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमने एक आइडिया की है। ये जो हमारा आटा रहता, आटे में हमने हल्का सा पानी डाला और हल्का सा नमक डाला, इसकी हमने पेस्ट बना ली, और ये पेस्ट हम इसको अब लगाएंगे और इसको कवर कर लेंगे पूरा। मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। हमको हाथ से लगाना पड़ेगा, ऐसे किनारे किनारे जो रहते हैं ना, तो उसको हम लगा लेंगे। इस पर हम बटर डालेंगे, और ये हमारी रोटी इस पर जाएगी। वाओ, अब देखो कितना अच्छा होता है वो, ऊपर से भी हम थोड़ा सा हल्का सा इसको बटर लगाएंगे। जैसा आपको बटर यूज करना है ऐसा आप कीजिए, बच्चों को देना हो तो ज़्यादा कीजिए, बड़ों का बड़े खाने वाले हो तो कम कीजिए, वो आपका चॉइस है, सिर्फ आइडिया मैं दे रही हूँ आपको। फ्रिज पर हम ढककर रख देंगे। खुशबू बहुत आ रही है, वाह देखो कितना अच्छा फूल भी गया है। अब इसको हम पलट देंगे, ये बहुत सॉफ्ट रहता है क्योंकि हमने चीज वगैरह डाल दिया इसमें। वाह देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और इसके इसको ढक्कन रखना जरूरी है क्योंकि इसमें सब्जियां हमने डाली है ना, तो उससे क्या होता कि वो क्रंची अच्छे से मिक्स हो जाती सब्जियाँ उसमें, इसलिए ढक्कन रखना जरूरी है। हमने अभी तक इस पर ढक्कन रखा था, लेकिन हम इसका अब ढक्कन निकाल देंगे क्योंकि हमारा जो सब्जियाँ थी वो अच्छे से क्रंची हो गई। अब इसको हम क्रिस्पी बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, इस पर ढक्कन मत रखिए क्योंकि ये जो कवर है ये क्रिस्पी बनना चाहिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ऐसा हमारा सैंडविच बनने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। देखो हमारा कितना अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है ना, अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में। देखो अच्छे से हमने कटिंग भी कर लिया, और देखो कितना क्रिस्पी है ये, खाने में भी बहुत अच्छा, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और
आप टिफिन में भी लेके जाओगे ना तो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके साथ हमने सॉस भी रख दिया। अब इसको गार्निशिंग करेंगे हम चीज से। देखो हमारे सैंडविच कितने अच्छे बन गए हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही हेल्दी टेस्टी डिश है। आप ये घर पे जरूर बनाइए और इजी है। हमारे यहाँ तो रोटी बहुत बचती है और बच्चों को भी पसंद आएगी। ये डिनर को भी आप रख सकते हो। कभी डिनर हुआ तो इसका भी डिनर हो जाता है। टिफिन में भी दे सकते हो। बहुत ही यूजफुल है। आपको तो रेसिपी मैंने डिटेल्स में बताई है। हाँ भाई, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि मेरा उत्साह भी बढ़ता है, मेरे समझ में भी आता है कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए। ऐसे ही यूजफुल हेल्दी रेसिपी लेके मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। और शोभा देशमुख किचन चैनल देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।